नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सिंधु यूथ चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे रायपुर पश्चिम विधानसभा सीट की। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपना अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। एक तरफ जहां भाजपा ने अपने कदावर मंत्री राजेश मूढ़त को पुनः मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने भी युवा नेता विकास उपाध्याय को पुनः अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अगर इस विधानसभा का इतिहास देखें तो पिछले 10 सालों से यहां भाजपा का कब्जा है और मंत्री राजेश मूढ़त चौथी बार यहां से जीत का चौका लगाने की तैयारी में है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो मंत्री राजेश मूढ़त को जीत हासिल करने के लिए काफी पसीना बहाना पड़ा था। रायपुर पश्चिम की ओर देखें तो रायपुर के चारों विधानसभा में से सबसे अधिक कार्य इसी विधानसभा में हुए हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वर्तमान विधायक राजेश मूढ़त अपने कार्यकाल में किए गए अद्भुत निर्माण जैसे नालंदा परिसर, भारत माता चौक, चमचमाती सड़कें व ब्रिजों पर प्रशंसा बटोर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के विकास उपाध्याय आरोप लगा रहे हैं कि चमचमाती सड़कों से ही केवल विकास नहीं होता है, पश्चिम क्षेत्र की जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। यहाँ की जनता को पानी के लिए भी 1 किलोमीटर चल करके जाना पड़ता है। अब इस चुनाव में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस क्षेत्र की जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। अगर हम विकास उपाध्याय की बात करें तो वह अपने क्षेत्र में बहुत सक्रिय रहे हैं, हर समस्या को प्रमुखता के साथ उठाया है। इसके लिए उन्होंने पूरा संघर्ष किया है। पश्चिम रायपुर में विकास उपाध्याय की बहुत अच्छी पकड़ है, बूथ स्तर तक उनके कार्यकर्ताओं का जाल बिछा है। 20 नवंबर को यहां चुनाव होने हैं। सब्सक्राइब टू सिंधु नेट यूट्यूब चैनल फॉर डेली इंफॉर्मेशन।